हरिओम, आइए जानते हैं इस बार के लोक कल्याण सेतु अंक 328 यानी अक्टूबर 2024 माह के अंक में आपके लिए क्या है खास। 11 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता जयंती पर जाने श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है। 10 नवंबर को पूज्य बापू जी के सदगुरु भगवतपाद साई श्री लीला शाह जी महाराज का महानिर्वाण दिवस है। अवश्य पढ़ें साई श्री लीला शाह जी महाराज के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग, परहित चिंतक संत महान कराते थे बाहरी भीतरी स्नान। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में पढ़ें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ ने उजागर किए मातृभाषा में शिक्षा के लाभ। सूरत में संपन्न हुआ 4 दिवसीय जन्माष्टमी शिविर, पढ़ें संस्था समाचार में। 15 नवंबर गुरु नानक देव जी की जयंती पर विशेष में पढ़ें नानक जी के जीवन का प्रेरक प्रसंग, भगवान नाम के सौदागर पूज्य बापू जी के सत्संग से। देश की भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु पूज्य बापूजी की प्रेरणा से देश भर के गुरुकुलों में सुसंपन्न हुए विद्यार्थी शिविर। जानिए कौन सी है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी जो मनुष्य को धर्म का स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, इसकी निजानुभूति में पहुंचाने में है सहायक। इस बार की सुर्खियों में पढ़ें, कैसे संपत्ति के विवाद के चलते बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ हुई कार्यवाही। विदेशों में रहने वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि लौकिक सफलता में भी होता है ईश्वर तथा शास्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान। धर्मांतरण विरोधी कानून में हुए संशोधन, अधिकतम सजा आजीवन कारावास, जुर्माना 10 लाख। संत नामदेव जी ने बताया तो आप भवसागर से पार हो सकते हो। भक्तों के अनुभव में पढ़े परभणी महाराष्ट्र के विठल राव कुड़वे का अनुभव, व्यसनों में गिरा था जीवन उनकी कृपा से संवर गया। हैदराबाद के पातंजल योग मठ की अध्यक्षा साध्वी निर्मलानंद योग भारती जी ने बताया सारे संत एकजुट होकर इस षड्यंत्र का विरोध करें। पावन और पुण्य लाभ दिलाने वाले इन पुण्यदायी तिथियों व योगों का अवश्य उठाएं लाभ। अवश्य पढ़े पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत से तो भगवान आपके कर्म स्वीकार कर लेते हैं। शीत ऋतु में लिया गया पौष्टिक आहार वर्ष भर शरीर को बल और पुष्टि प्रदान करता है। जानिए इस शीत ऋतु में अपनी सेहत बनाने के लिए विशेष लाभकारी प्रयोग। भजनामृत में पढ़ें संत पथिक जी का ये सुंदर भजन, यदि तुम नहीं हमको जगाते। संस्कृति दर्शन में पढ़ें हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता क्यों। स्वामी अखंडानंद जी ने बताया हृदय के अंतरतम प्रदेश में ईश्वर से मिलो। पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विविध स्वास्थ्यप्रद उत्पादों और औषधियों का लाभ लेने के लिए संपर्क करें निकट आश्रम या समिति के स्टॉल पर अथवा आश्रम के ई स्टोर अथवा वेबसाइट पर जाकर आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो ये थी लोक कल्याण सेतु के अंक 328 की संपूर्ण जानकारी। लोक कल्याण सेतु की मुद्रित प्रति अथवा ई मैगजीन की ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें www.lokkalyansetu.org पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें लोक कल्याण सेतु कार्यालय संत श्री आशाराम जी आश्रम साबरमती अहमदाबाद 5, संपर्क 07961210739 अथवा 839, ईमेल lokkalyansetu@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 07961210739।